बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम आरिफ अहमद है, मैं CDC मार्केटिंग डिपार्टमेंट से। अब आवाज आ रही है मेरे भाई? शुक्रिया। मेरा नाम आरिफ अहमद है, मैं CDC मार्केटिंग डिपार्टमेंट से वाबस्ता हूँ। CDC हाउस में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। पिछले तकरीबन 22 साल से जब से CDC वजूद में आई, हम कैपिटल मार्केट, स्टॉक मार्केट और उसके अलावा दूसरे जो वाबस्ता इंडस्ट्री सेक्टर्स हैं उसके अवेयरनेस सेशंस इस जगह पर मुनक्किद करते हैं जहां पर इस वक्त आप मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो आपकी आमद का शुक्रिया। टैक्स की फाइलिंग या टैक्स अदा करना जो है वो पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में इसका तस्करा है। हम लोगों की ये तो समझ में आ गया होगा, हम सबकी, अवाम अन्नास की, कि सिर्फ टैक्स अदा करना ज़रूरी नहीं है बल्कि उसका फाइल करना भी ज़रूरी है। तो कुछ अरसे पहले रेनाउंड टैक्स कंसल्टेंट जनाब असद अली शाह, जनाब अशफाक तोला और एरी टैक्स सॉल्यूशंस ने मिलके एक इदारे की बुनियाद रखी जिसका नाम है बी फाइलर। इस इदारे का मकसद ये है कि अवाम अन्नास जिनको टैक्स फाइलिंग का कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस जो है वो उसके थ्रू गुजरना मुश्किल लगता है, उनको टैक्स फाइलिंग के लिए आसानी पैदा की जाए और उनको गाइड किया जाए कि टैक्स फाइलिंग कैसे की जाती है। हम CDC हाउस को एक ऐसे प्लेटफॉर्म के तौर पे यूज़ करते हैं जहां पर आवाम को फ्री ऑफ कॉस्ट अवेयरनेस मुख्तलिफ इंडस्ट्री सेक्टर्स, मुख्तलिफ उमूर के बारे में जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट अवेयरनेस और आगाही फराहम की जाए। तो आपकी आमद का शुक्रिया। मैं जनाब फारूक रशीद साहब को दावत दूंगा जो पेशे के एतबार से चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और बी फाइलर से मुंसलिक हैं। आप तकरीबन एक घंटे की प्रेजेंटेशन आप सबके लिए लेकर आए हैं। प्रेजेंटेशन के बाद सवाल और जवाब का सिलसिला भी होगा और हमने आपके लिए एक बहुत ही अच्छी सी रिफ्रेशमेंट का भी इंतजाम किया है। तो वेलकम कीजिएगा जनाब फारूक रशीद साहब को। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। आरिफ साहब, बहुत शुक्रिया आपके एक बहुत डिटेल्ड और काइंड इंट्रोडक्शन का। उम्मीद है सारे मुझे सुन सकते हैं। चले जी, वंडरफुल। मेरा नाम फारूक रशीद है, मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ एंड टीम लीड टैक्सेशन हूँ एट bfiler.com, जिसके बारे में आरिफ साहब ने जैसे भी बताया, इट्स पाकिस्तान का बड़े एक ऑनलाइन एक मुनफरिद और एक इनोवेटिव जो है ऑनलाइन टैक्स प्रिपरेशन सर्विस है, जिसके बारे में भी अभी हम थोड़ा शॉर्टली डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो हमारा जो मेन कंटेंट है आज की प्रेजेंटेशन का, जो कि ये है कि जो कि आपके फ्लायर में भी एक एक डिटेल तरीके से प्रेजेंट किया गया, वो ये है कि आखिर अगर हम टैक्स फाइलिंग करते हैं तो व्हाट एग्जैक्टली आर द बेनिफिट, उस चीज के फवायद हैं क्या आखिर, और अगर हम नहीं करते तो क्या नुकसान है। जाहिर सी बात है, एक चीज के दोनों पहलू जो है वो हमें मालूम होने चाहिए। और एक दफा हम टैक्स फाइलिंग कर लेते हैं तो फिर उसके हम किस तरीके से जो फवायद है उनका फायदा उठा सकते हैं। सो ये एक आज मौजू है हमारी इस डिस्कशन का, जिसे हम अगले इंशाल्लाह एक घंटे में आहिस्ता आहिस्ता से कवर करेंगे। यहाँ पे क्योंकि हमारा एक क्योंकि हम अक्सर प्रेजेंटेशंस कंडक्ट करते हैं मुख्तलिफ इदारों में जाके उनके एम्प्लॉयज के साथ, तो एक हमें जनरली आइडिया होता है कि उनकी एक सोर्स ऑफ इनकम फॉर एग्जाम्पल सैलरी है या फॉर एग्जाम्पल रेंटल इनकम है या क्या है न, लेकिन क्यों ये एक ओपन प्लेटफॉर्म है और ऑडियंस साइज हमारा बड़ा है माशाल्लाह, लेकिन बहुत बड़ा नहीं है, उसे फिर भी हम थोड़ा एक इंटरेक्टिव रख सकते हैं। तो आपसे भी इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आप भी जैसे स्टार्ट ही आपने किया ये गुजारिश करके कि आप उर्दू में बोलिएगा, लेकिन आपने खुद अंग्रेजी में बात की, तो ऐसे ही मुझे उम्मीद है कि गोइंग फॉरवर्ड भी आप इसे जरा ऐसे ही इंटरेक्टिव रखेंगे। तो अगर मुझे जनरली थोड़ा हाथ आप खड़ा करके बता दें, मैं कुछ सवाल पूछता हूँ, इफ यू रेज, अगर आप अपना हाथ उठाते हैं तो मुझे आइडिया हो जाएगा कि मेरी ऑडियंस में एग्जैक्टली कौन लोग बैठे हुए हैं और क्या उनकी फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम है, वो रूटीनली फाइल करते हैं। चले, बहुत अच्छी बात है कि तकरीबन 50 से 60% लोग यहाँ पे जो अपने टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तो इसका मतलब है ये लोग और बकिया लोग, मुझे उम्मीद है बाय द एंड ऑफ दिस सेशन मैं आप लोगों को कायल कर पाऊंगा कि भाई सबसे पहले तो आप ये अपने टैक्स रिटर्न फाइल करें, और जिन्होंने इस साल नहीं किया वो जल्दी करें, और स्पेशली जिन्होंने नहीं किया वो bfiler.com से करें। तो ये मेरे चंद जो है वो आज के टारगेट्स हैं जो मुझे उम्मीद है बाय द एंड ऑफ दिस सेशन मैं अचीव कर पाऊंगा। अच्छा, यहाँ पे कितने लोग हैं जो नौकरी पेशा लोग हैं, जो करंटली सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं? वंडरफुल, ग्रेट। अच्छा, कितने लोग हैं जो जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं?
हाँ स्टॉक मार्केट के जरिए से काम करते हैं, बिल्कुल ठीक है, ये भी काफी एक अच्छी आबादी है वो टेक्निकली इन्वेस्टमेंट ही, आप नहीं उसे समझते इन्वेस्टमेंट, चले मैं आप छोड़ता हूँ, चल काफी लोग है ट्रेडिंग करते हैं, हाँ ट्रेडिंग करते हैं, ये दोनों चीजें जो है ना टेक्निकली लॉ की नजर में तो सेम है, अलबत्ता जो बड़े मायानाज और जो मंजे हुए इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी नजर में डे ट्रेडर जो है इन्वेस्टर नहीं कहा जाता, तो वो खैर बहरहाल एक डिफरेंट मौजू है। अगर किसी दिन सीडीसी ने हमें इस पे बुलाया कि आप स्पेशली इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी के ऊपर बात करें तो उसमें फिर बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव हम डिस्कशन कर सकते हैं। थैंक यू। आप कहीं वॉरेन बफेट की किताबें तो नहीं पढ़ते? हाँ क्योंकि उनका भी यही ख्याल है, बिल्कुल इन्वेस्टमेंट उसे ही कहते हैं, डे ट्रेडर जो है वो सिर्फ हल्का फुल्का सा मुनाफा जितना कमाता है साल के आखिर में उससे ज्यादा गवाता है, तो इस वजह से जो है वो इन्वेस्टर ये भी है, तो हम उस पर भी जरा आहिस्ता आहिस्ता टच करते हैं। वेरी गुड। तो कुछ जो सोर्सेज ऑफ इनकम है वो ऑटोमेटिकली अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो खुद ब खुद जो आपकी आदत, जैसे डिविडेंड है, प्रोवाइडेड आप किसी अच्छी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फिर डिविडेंड आ जाएगा, नहीं कर रहे हैं तो वो भी नहीं आएगा। तो ये कुछ एसोसिएटेड सोर्सेज ऑफ इनकम है जिसके बारे में हम ऐसा ऐसा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला मेरा सवाल उन लोगों से जिन्होंने अपना टैक्स रिटर्न फाइल किया है, अच्छा ये जिन्होंने हाथ उठाया ये वो लोग हैं जो अमूमन करते हैं या जिन्होंने अभी टैक्स ईयर करंट ईयर टैक्स ईयर करंट कौन से टैक्स ईयर है वैसे? टैक्स ईयर 19, हाँ टैक्स ईयर रेगुलरली आप करते हैं, तो करंट टैक्स ईयर 19 का कितने लोग हैं जिन्होंने ऑलरेडी फाइल कर दिया है? चले बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये आखिरी जो आपने हाथ उठाए ना जिसमें काफी कम हाथ उठे हैं, इसमें मेरा दिल सबसे ज्यादा खुश हुआ है क्योंकि अब मुझे उम्मीद है कि बकिया जो लोग हैं ये इंशाल्लाह भी फाइलर से ही करेंगे, और जिन्होंने कर भी दिया है उनको पास भी ये मौका है कि आप उसकी जरा एक्यूरेसी और टेक्निकल जो एस्पेक्ट्स है वो भी एक दफा चेक करा सकते हैं कम्प्लीटली फ्री इंशाल्लाह, तो वो भी जरा हम देखते हैं किस तरीके से। तो सबसे पहले जो है सवाल हमारा जाहिर सी बात है स्पेशली डायरेक्टेड उन लोगों के लिए जो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते या अगर करते हैं तो इतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो सबसे पहला सवाल तुम्हारा ये है कि भाई टैक्स रिटर्न फाइल करने के फायदे हैं क्या? तो सबसे पहला बड़ा फायदा क्या है, क्या कहते हैं आप लोग? हाँ ये अमूमन में दूसरा पॉइंट है बात के लिए छोड़ता हूँ, लेकिन आपने पहले कवर कर लिया बहुत अच्छा है। जी प्लीज सॉरी। हाँ हमारा कौमी फरीजा जो है ये पूरा होना चाहिए और बिल्कुल होता है बाय फाइलिंग आर टैक्स रिटर्न, बिल्कुल अच्छा है। और पीछे एक जवाब आ रहा था, आप बता रहे सर यू एंजॉय द मनी मोर। जी एक ऊपर एफबीआर की जो तलवार है और बाजूगार टैंक होता है, जब वो हट जाता है तो हम जाहिर सी बात है जो बकिया हमारी, मैं क्योंकि एक फुल फ्लेज मेरी टैक्स प्रैक्टिस है, सैकड़ों लोग हैं जो मुझसे डिस्कस करते हैं अपनी तमाम प्रॉब्लम्स, तो वो यही कहते हैं कि सर हमें टैक्स देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी भी जो ट्रेडर्स हैं उनकी भी यही डिमांड है कि हम इससे नहीं मरते कि भाई हमें साल के 30-50-80 हजार हम टैक्स पे कर रहे हैं, दैट डज नॉट किल अस। हम सिर्फ ये चाह रहे हैं कि आप ये जो हमें ये चोर वाला रवैया है ना, चोर पुलिस का रवैया, ये आप मेहरबानी करके ये आप ना करें हमारे साथ। अब हम कमा रहे हैं तो मुल्क चल रहा है, और वाकई ऐसा ही है, बड़ी बड़ी दुनिया की इकॉनमी सोवियत यूनियन वगैरह ये टूटे इस वजह से कि आर्मीज तो बहुत स्ट्रांग थी, इकॉनमी बहुत वीक थी, तो इस वजह से हमारी इकॉनमी जो है वो रिलाई ही करती है आप जैसे इन्वेस्टर्स, नौकरी पेशा लोग और जो ट्रेडर्स हैं इन सारे लोगों के ऊपर। तो ये कौमी फरीजा भी पूरा होता है, और जब ये चोर पुलिस का रवैया भी खत्म हो जाता है ना, हम टैक्स फाइलर हो गए एक दफा, तो फिर जाहिर सी बात है हम रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादा उस चीज को एंजॉय करते हैं। हाँ वो थोड़ा हम बात के लिए रखते हैं, बहरहाल हम यहाँ पे थोड़ा, हाँ थोड़ा मैं जब आपसे इन्वाइट करूँ ना फिर कोशिश करें जवाब दे, वरना फिर ये एक घंटे का जो सेशन है ना, वरना फिर सीडीसी वाले कहेंगे कि आप हमें रिफ्रेशमेंट देनी पड़ रही थी, आपने लंच भी करवा दिया, तो ये मसला हो जाएगा। डिनर के लिए भी तैयार है, आप तैयार है, सीडीसी वाले तैयार नहीं है, तो इसको जरा आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहला बहुत बड़ा फायदा जो है वो ये है कि रोजमर्रा की हमारी जिंदगी में एक एक बला है जिसे कहा जाता है एडवांस एडजस्टेबल विदहोल्डिंग टैक्सेस। ये क्या चीज है एडवांस एडजस्टेबल विदहोल्डिंग टैक्सेस, कौन बता रहे? ले नहीं सकते, क्या कहते हैं, ले सकते हैं नहीं ले सकते, कैसे ले सकते हैं? ये एक थोड़ा और आप आगे चले गए, इसे देखें, ये थोड़ा
इस तरीके से देख लेते हैं। रोजमर्रा की हमारी जिंदगी में बहुत सारे ऐसे इंस्टेंसेस होते हैं जो टेक्निकली देखा जाए तो ये इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज नहीं है हमारे। अच्छा आपको नहीं आ रहा, असल में प्रॉब्लम ये है कि ये भी चल रहा है वरना मैं आपको यहाँ से नहीं, ये यहाँ से स्क्रीन नजर नहीं आएगी, मुझे इधर ही मूव होना पड़ेगा। थोड़ा आप भी कोशिश करें, थोड़ा मुझे सुनते भी रहे इंशाल्लाह। थोड़ा ये आई थिंक आप ये हाँ फेसबुक पे नजर नहीं आएगा और मुझे फिर वरना वहां पे खड़ा होना पड़ेगा, ये एक इशू है। थोड़ा आप काइंडली मेरे साथ कॉपरेट कर लें और मेरी बातों पर गौर करें, ठीक है जी। तो ये क्या चीज है, ये सारे रोजमर्रा की हमारी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो इनकम जनरेटिंग नहीं है। कानून का नाम क्या है, क्या किसी को पता है? इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस। तो टेक्निकली जो टैक्स होनी चाहिए वो क्या चीज होनी चाहिए? इनकम। लेकिन अगर मेरा आपसे सवाल है, अगर मैं घर परचेज करता हूं तो ये रोटी कपड़ा मकान तो है, ये तो एक पार्टी मैनिफेस्टो भी होता है और स्लोगन भी होता है और ये जाहिर सी बात हमारी रोजमर्रा की जरूरियात पे भी डिपेंड करता है। तो ये अगर मैं किसी तरीके से चाहता हूं कि मैं अपना घर बनाऊं, मैं बड़ी मुश्किल से दो पैसे जोड़ के एक गाड़ी लेना चाहता हूं, या मैं रोजमर्रा की जिंदगी में बैंकिंग ट्रांजैक्शन करता हूं, या आप देखेंगे कि स्कूल फीस है, एजुकेशन एक्सपेंसेस है, जो एजुकेशन है वो क्या चीज है हमारा, क्या कोई हम कोई बहुत बड़ी लग्जरी है? क्या कहते हैं आप लोग, एजुकेशन जो है क्या वो बहुत बड़ी लग्जरी है? नेसेसिटी है, एक बेसिक, एक भी बच्चे की 2 लाख से स्कूल फीस हो आपकी, फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्सिटी की एजुकेशन फीस हो किसी एक बच्चे की 2 लाख से ज्यादा है सालाना बेसिस पे, तो ये आपकी बहुत बड़ी लग्जरी हो गई। और अब वो चाहते हैं कि आप जरा हमारे पास आए, तशरीफ ले आए और हमें बताएं मेहरबानी करके कि ये 2 लाख सालाना कमाने के लिए जरूर आपके पास पीछे बहुत कोई बड़े जरिए माश होंगे, तो इसके ऊपर आप पहले जरा मेहरबानी करके 5% एडवांस एडजस्टेबल टैक्सेस हमें पे करें। ऐसे ही और दूसरी चीज किन चीजों पे होते हैं, ऐसे ही आप प्रॉपर्टी है आप अपने नाम पे रजिस्टर करा रहे हैं, आप सेल ऑफ कर रहे हैं, या फॉर एग्जाम्पल गाड़ी आप रजिस्टर कराने जा रहे हैं, या बैंकिंग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, आप कैश विड्रॉ कर रहे हैं, आप नॉन फाइलर हैं, देखा जाए तो कैश विड्रॉ एक्टिविटी के लिए मैंने कोई पेमेंट करनी है, कुछ और अपनी एक्टिविटी करनी है, मैं तो सिंपली पैसे निकाल रहा हूं। तो ऐसी सिचुएशन में भी ये क्या है, सारे मेरी इनकम जनरेटिंग एक्टिविटीज ऑटोमेटिकली नहीं बनती, लेकिन लॉ ये कहता है कि नहीं, अगर आपने ये तमाम चीजें की, या ऐसे फॉर एग्जाम्पल लेट से आपका कोई इवेंट है, आपने कोई कोई शादी है घर पे, आप कोई पार्टी होस्ट कर रहे हैं किसी बैंकुएट में, किसी शादी हॉल में, तो उनके ऊपर भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि आपका खर्चा 1 लाख रुपए हो या 5 लाख हो, उसके ऊपर 5% एडवांस एडजस्टेबल टैक्स उन्होंने लेना है आपसे। अब ये जो पैसे हैं ये आप आपका एसेट होगा, इसे आप किसी तरीके से इस्तेमाल करें, या ये आपका एक्सपेंस हो गया कि आप इसे इसका फायदा उठा ही नहीं सकते, ये डिपेंड करता है आपके रवैये पे ऊपर और आपके एक्शंस के ऊपर। अगर वो हजरात जो अपने टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो ये उनके लिए क्या हो जाएगा, एक्सपेंस हो जाएगा, एसेट हो जाएगा, एसेट हो जाएगा, आप इसका उठा सकते हैं, आज फायदा उठा सकते हैं, कल फायदा उठा सकते हैं, प्रोवाइडेड आप क्या करें, अपना टैक्स रिटर्न फाइल करें और टाइमली बेसिस पे फाइल करें। अगर आपने नहीं किया और FBR को ये डिक्लेयर नहीं किया और इसे सब्सटेंशिएट करने के लिए आपके पास वो डॉक्यूमेंट्स नहीं है, सर्टिफिकेट्स नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में ये समझे आपका खर्चा हो गया, और ये कोई मामूली रकम नहीं होती। आप स्पेशली जब आप वो हजरात जिन्होंने रिसेंटली प्रॉपर्टी ट्रांजेक्शन की हो, PCHS में हम करंटली खड़े हैं, यहाँ पे किसी ने घर लिया, कोई फ्लैट लिया, FBR वैल्यूएशन रेट्स बहुत ज्यादा है, करोड़ों की FBR वैल्यूएशन रेट्स है, और ये जो टैक्सेस लगते हैं उन्हीं वैल्यूएशन के ऊपर ही लगते हैं, तो ये बहुत लाखों की अमाउंट्स हो जाती है। तो ये आपके लिए ये एसेट होगा या एक्सपेंस होगा, ये डिपेंड करता है कि आपका क्या रवैया है और आप टाइम भी बेसिस पे अपनी टैक्स रिटर्न फाइलिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये इस तरीके से काम करता है। तो एक बहुत बड़ा फायदा हमारा क्या हुआ कि लॉस ऑफ विदोरिंग टैक्सेस हमें नहीं होगा, हम इसका फायदा उठा सकते। अच्छा फायदा कैसे उठाएंगे, कैसे फायदा उठाएंगे, क्या कहते हैं आप लोग? जी ऐसा ही है, सारे मुत्तफिक हैं इनसे। होता है, करते नहीं है, क्या नहीं करते, कौन नहीं करता? FBR एडजस्ट नहीं करता, एडजस्ट नहीं करता है, रिफंड नहीं करता, रिफंड नहीं करता, जी बिल्कुल। थोड़ा हम स्पेसिफिक हो जाते हैं, क्योंकि एडजस्ट करने देता है। मामला किस तरीके से है कि भाई वो जात जो सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं, काफी लोग यहाँ पे सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं, आप लोगों के लिए ये ऑप्शन अवेलेबल है कि ये पूरे साल में आपने जो भी एडवांस एडजस्टमेंट टैक्स पे किया है इन तमाम चीजों के ऊपर। और एक और कॉमन बड़ी एग्जाम्पल है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप आपका सेलफोन का जो प्रीपेड है, पोस्ट पेड है, उस पर भी ऐसे ही लगता है।
आपके जो इंटरनेट कनेक्शन है उस पर भी ऐसे ही एडवांस एडजस्टेबल टैक्स लगता है, और जैसे एयर ट्रैवल वगैरह है इस पर भी ये आपका एडवांस एडजस्टेबल टैक्स लगता है। तो आप ये कर सकते हैं कि आपके जो भी इंप्लॉयर है, फॉर एग्जाम्पल आप सीडीसी में काम कर रहे हैं, आप इस चीज का एविडेंस लाएं, अपने इंप्लॉयर को प्रेजेंट करें, और फिर उन पर अब लीगल रिक्वायरमेंट है कि आपकी सैलरी से जो टैक्स काट रहे थे अब ये इस अमाउंट से पहले कम करेंगे। अगर फॉर एग्जाम्पल आपका इन किसी भी चीज के ऊपर लेट से 50,000 रुपए का टैक्स ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है, तो अब क्या करेंगे, आपकी सैलरी का अगर फॉर एग्जाम्पल टैक्स बनता है 1,00,000 रुपए, तो पहले ये 50,000 की एडजस्टमेंट होगी, बकिया जो 50,000 है सिर्फ इसके ऊपर जाके जो है आपका टैक्स रेट अप्लाई होगा। तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ है सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए। ये बात किस सेक्शन में, ये है 149 के अंदर, ठीक है, 149 के अंदर है ये, जिसके अंदर बताया जाता है कि सैलरीड इंडिविजुअल्स की डिडक्शन किस तरीके से होनी है, एडजस्टमेंट उसी के अंदर ही है 149 के अंदर। बिल्कुल सही है, रिटर्न के बाद नहीं करेंगे। ये पॉइंट बहुत अहम है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो सैलरीड इंडिविजुअल्स, तो ये थोड़ा गौर से समझ लें। जो आपका एम्प्लॉयर है ना, जो आपका एम्प्लॉयर है, जैसे आप कहीं पे जॉब करते हैं सर, कहाँ पे जॉब करते हैं आप, हाँ नहीं आप करते हैं सर, जी जी सर की बात करें, जैसे आप पैसल बैंक में जॉब करते हैं, तो अब आपने फॉर एग्जाम्पल इसमें से कोई भी ट्रांजेक्शन की है, आपने कुछ भी नहीं करना, आप ये इस चीज का एविडेंस लें, आप अपने HR या फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास चले जाएं। अब ये मैंडेटरी उनकी रिक्वायरमेंट है, लीगल रिक्वायरमेंट है, उनके ऊपर ऑब्लिगेशन है, आप नहीं करते तो आप उन्हें बताएं कि भाई ये फला फॉर एग्जाम्पल लॉ में है, आप किसी भी कंपनी से जाके पूछें, ये यहां से पहले प्रेजेंटेशन में सैकड़ों कंपनीज में कर चुके, तो ये नई बात नहीं है, ये उनके ऊपर लीगल रिक्वायरमेंट है कि ये उन्होंने एडजस्टमेंट इस चीज की करनी ही करनी है। तो और ये तमाम चीजें जो है ना, ये तमाम चीजें डिडक्ट होती है सेक्शन 236 के डिफरेंट क्लॉजेस है, तो 236 के अंदर जो भी एडजस्टमेंट्स होती है उन्हें उनकी एडजस्टमेंट देनी ही है। तो आप ये कर सकते हैं कि जो भी आपका टैक्स बनता है उसकी एडजस्टमेंट आप जाके अपने एम्प्लॉयर से ले सकते हैं। एक चीज, ये वो लोग जो कौन है, सैलरीड इंडिविजुअल्स है। अच्छा, इसके अलावा वो लोग जो सैलरीड नहीं है वो इन चीजों का फायदा कैसे उठाएंगे, वो ये कर सकते हैं कि भाई आप जब अपना साल के आखिर में टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं उसमें आप ये तमाम चीजें दिखाएं कि भाई साल में मेरी ये डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज हुई है, उसमें मेरा ये टैक्स डिपॉजिट हुआ है या डिडक्ट हुआ है। जैसे एयरलाइन है, उधर आपने पैसे पे किए, ऐसे फॉर एग्जाम्पल प्रॉपर्टी आप रजिस्टर करा रहे हैं वहां पे आपने पैसे पे किए, या आप अपने टैक्स रिटर्न में शो करें वो आपका एसेट है अगर, तो आपकी कोई इनकम है उससे आप एडजस्ट करा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कैसे मुमकिन है, आपकी कोई रेंटल इनकम है वहां से आप एडजस्ट करा सकते हैं, कोई दूसरी सोर्स ऑफ इनकम है, कोई बिजनेस इनकम है साइड में आप चला रहे हैं, कोई कंसल्टिंग कर रहे हैं वहां पे आप कर सकते हैं, कैपिटल मार्केट की जो आपकी इनकम है वहां से आप नहीं कर सकते, डिविडेंड से नहीं कर सकते क्योंकि वो सोर्स कट जाती है आपके। तो ऐसे क्या होगा, जब आप साल के आखिर में अपना टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो ये एडवांस एडजस्टमेंट टैक्सेस आप शो करेंगे वहां पे, और ये या तो आप कैरी फॉरवर्ड करेंगे या उसी साल आपकी दूसरी इनकम है तो वहां से आप एडजस्ट करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा फायदा है ऑफ फाइलिंग योर टैक्स रिटर्न्स। सवाल हमें काम करते हैं ना, हम फेजेस में लेते हैं, मैं जब इन्वाइट करूँ ना तभी आप काइंडली क्वेश्चन पूछें। टैक्स रिटर्न फाइल करने का यहां से आगे बढ़ते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी के ऊपर जो एडवांस टैक्स कट रहा है ना, ये भी आप ऐसे एडजस्ट करा सकते हैं 4% नॉन फाइलर्स के लिए। टैक्स वो दूसरी चीज है, उसे भी हम डिस्कस करते हैं सर, वो अभी आगे की चीज है, उसे हम डिस्कस करते हैं इवेंचुअली। ये एडवांस एडजस्टमेंट टैक्स की बात हो रही है यहाँ पे, अभी सिर्फ एडवांस एडजस्टमेंट टैक्स, आप ये उसका पोर्शन आएगा, आप उस पर जरा सवाल पूछ लीजिएगा, ठीक है जी। फ्यूल के जो टैक्सेस है ना वो इमरान खान भी एडजस्ट नहीं करा सकते इस तरीके से, वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन होती है, ठीक है। अच्छा, अब हमारा टैक्स जो है एक थोड़ा स्ट्रक्चर समझने के काम किस तरीके से करता है, डिपेंडिंग ऑन कि हमारे डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम क्या है। यहाँ पे एक थोड़ा सैलरी का हमने एग्जाम्पल जो है वो बनाया हुआ है, लेकिन ऐसे ही तकरीबन बकिया भी हमारे जो सोर्सेज ऑफ इनकम है वो ऐसे ही काम करते हैं। वो किस तरीके से, सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए जैसे सर आपने अभी जिक्र किया कि आपका जो भी इंप्लॉयर है वो क्या करता है, आपकी सैलरी से क्या करता है, टैक्स काटता है, नहीं काटता है, काट लेता है, बिल्कुल टैक्स काट लेता है। तो सैलरी इनकम में तो इसी तरीके से हो गया कि भाई बेसिक थ्रेशोल्ड अगर आप एक्सीड करते हैं, वो बेसिक थ्रेशोल्ड इस साल का क्या है, 4.5 लाख, तो मैंने कहीं भी नहीं सुना 4 लाख है, 8 लाख सुनता हूं मैं, 12 लाख भी सुनता हूँ, 6 लाख भी सुनता हूँ, तो चले खैर ये कहीं न्यूज में आपने सुना होगा, कामरान खान से तो नहीं सुना है आपने, अच्छा ठीक, चले ठीक है, क्योंकि सनसनीखेज खबरें बहुत वहां से आती है ना, अच्छा चले हम जातियात पे नहीं जाते। तो ये
6 लाख जो है ये है सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए टैक्स ईयर 20 के अंदर, अभी जो माली साल चल रहा है। इसी ऊपर आपकी एक दफा बेसिक इनकम चली गई तो अब क्या होगा, अब आपके ऊपर मैंडेटरी ये रिक्वायरमेंट है कि आपने अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना है और आपकी सैलरी से टैक्स डिडक्ट होना भी शुरू हो जाएगा। तो ये तो हो गई सैलरी की बात। अच्छा, ये जो माली साल जिसकी अभी फाइलिंग चल रही है टैक्स ईयर कौन सी 19 की, इसमें कब से करना है हमने, वो 4 लाख रुपए। टेक्निकली देखा जाए तो वो ज्यादा अमाउंट डिडक्ट होनी थी कब से, 12 लाख रुपए से, लेकिन वो 4 लाख से जैसे ऊपर जाते थे तो कितने रुपए डिडक्ट होते थे, 1000 रुपीज। तो ये बीच का एक साल बहुत अच्छा गुजरा है। मैं जहां पे भी प्रेजेंटेशन करता हूँ लोग मुझे हमेशा मुस्कुराते नजर आते थे, अब नहीं आते क्योंकि अब जरा डिडक्शन जो है वो बढ़ गई है। तो वो 1000 रुपए 4 लाख से 8 लाख तक और 8 लाख से 12 लाख तक कितने थे, 2000 रुपए। कहने में भी अच्छे लगते हैं, सुनने में भी अच्छे लगते हैं, लेकिन वो अच्छा दौर था चला गया। तो वो गुजरे हुए जमाने को हम ज्यादा याद नहीं करते, आगे बढ़ते हैं। अब जो टैक्स डिडक्शन है वो जाहिर सी बात है ज्यादा हो रही है। तो ये हाँ तब्दीली आ गई है, अच्छी तब्दीलियां भी है, उसका भी शुक्र करना चाहिए। तो ये क्या है, ये एडवांस, ये हमारा जो विदोडिंग टैक्स है ये सैलरी के ऊपर है। अच्छा, जो हजरात कैपिटल मार्केट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं या स्लैश ट्रेड कर रहे हैं उनकी किस तरीके से होती है, क्या कहते हैं वो, कैसे होता है सर, आप बता रहे हैं, आप बता रहे हैं 5 लाख्स कैपिटल मार्केट्स के ऊपर। हाँ नहीं, आप वो एक दूसरी चीज का जवाब दे रहे हैं मेरे ख्याल जी। हाँ आपका 30 कटता है 15 कटता है। अच्छा चले, उम्मीद है सेशन के बाद अब नहीं भुगतेंगे। तो ये बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। सो ये बाकी जो हमारी डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम है ना, वो डिपेंड करता है कि उसका स्ट्रक्चर किस तरीके से, रेंटल इनकम है, अगर हम कैपिटल इनकम कमा रहे हैं, डिविडेंड इनकम कमा रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें जिसकी पेमेंट हमें काउंटर पार्टी से मिलती है ना, वो डिडक्शन ऑलरेडी हमें होके मिलती है। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल मैं कोई क्या कर रहा हूँ, अगर मैंने शेयर परचेज करके सेल ऑफ कर रहा हूँ, उसमें क्या मिलेगा, कैपिटल गेन होगा, अगर अच्छे हालात है तो। आजकल अच्छे बुरे हालात है, मिक्स है, हाँ शॉर्ट टर्म में अच्छे, लॉकडाउन में बुरे हालात है। तो ये जो शॉर्ट टर्म में अच्छे हालात है, अगर मैंने फॉर एग्जाम्पल जब 28,000 रुपए मार्केट थी, मैंने शेयर्स उठा लिए कुछ, अभी 38,000 रुपए है, तो बीच का जो गेन है मैं सेल ऑफ करता हूँ तो इसपे मुझे टैक्स लगेगा। अब ये जो गेन वाले टैक्स है ये कौन काट के देगा मुझे, NCCPL, बिल्कुल NCCPL मुझे इसके ऊपर टैक्स काट के दे देगा। तो ये कुछ इसके अंदर कॉम्प्लिकेशंस है, वो भी हम थोड़ा ऐसा ऐसा अनफोल्ड करते हैं, लेकिन इस पे भी मुझे क्या होगा, टैक्स डिडक्ट होकर मिलेगा। ऐसे ही मुझे डिविडेंड की पेमेंट आती है, वो कहां से आती है, कंपनी से आती है, बिल्कुल ठीक है, रिस्पेक्टिव कंपनी से आती है। और बीच में एक बहुत बड़ा हमारा नामवर इदारा जो है वो जहां पे हम बैठे हुए CDC इन्वॉल्व्ड है, हमारे जो शेयर्स हैं वो आके डिपॉजिट यहां पे होते हैं। तो ये डिविडेंड के टाइम पे भी कंपनी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मुझे टैक्स डिडक्ट करके दे देते हैं। तो ये काफी हद तक एक इंडिविजुअल की जिंदगी में जो हमें इनकम मिलती है वो डिडक्ट होकर मिलती है। ऐसे अगर कोई आप रेंटल इनकम कमा रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में भी क्या होता है, आपको टैक्स कट के मिलते हैं पैसे, इदारा है तो फिर उनके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो काट के देते हैं। अच्छा, ऐसा कोई यहाँ पे है इंडिविजुअल जो रेंटल इनकम कमा रहा हो और जिसकी काउंटर पार्टी जो टेनेंट है वो इदारा नहीं है वो, बल्कि इंडिविजुअल या कोई पार्टनरशिप है, है? अच्छा, वो टैक्स काटते, वो काटते नहीं है, आप काटने नहीं देते, फर्क है। अच्छा ना, हाँ बस वो भी रफा दफा कर देते, आप भी रफा दफा कर देते। तो उस ये हाँ, इसके लिए टर्म इस्तेमाल होता है फाइनल टैक्सेशन। फाइनल से मुराद ये है कि आप इसके अगेंस्ट एक्सपेंस कुछ भी माइनस नहीं करा सकते, ये समझे एडवांस नहीं होता, ये खत्म हो गया मामला। आपने इसकी खूबसूरती ये है कि आपने ना इसके बारे में फर्दर परेशान होने की जरूरत है, ना कुछ अकाउंटिंग करने की जरूरत है, बस ये फाइनल जो बकिया आपके पैसे मिले यही आपकी इनकम है। और इसमें से टैक्स भी कट गया, आपने ये नहीं सोचना कि अच्छा इस पे मुझे और फर्दर अभी 5% देना है, 15% देना है, जो उन्होंने काट के दे दिया बस सुकून से आप बकिया साल गुजार सकते हैं, प्रोवाइडेड आपको डिविडेंड मिल रहा है, मुझे नहीं मिलता। हाँ सर, वो अब 15% काश 5% होता है 2.5% होता, लेकिन बहरहाल अभी जैसी चीज है वो ऐसी। तो इसको जरा हम आगे बढ़ा इसको सर, अगर आप दो सवाल और आपने पूछे ना फिर मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि मेरी जगह आप आ जाए। अगर बकिया लोग ऐसा चाहते हो नहीं तो फिर मैं इनके सवालों का जवाब आखिर में देता हूँ। हाँ यू करते,
क्योंकि ऑडियंस जब बड़ी होती है ना तो इसमें बेहतर ये है कि सवाल या तो फेजेस में लिए जाए या आखिर में लिए जाए. तो अगले सवाल जो है हम 15 मिनट की बात करते हैं, 15 मिनट आप मुझे सुन ले. नहीं आप एक यूं करें ना, ये आप अपने या तो फोन में रिकॉर्ड कर ले या आप जहन में जहनशी कर ले. अगले सवाल जो है वो 15 मिनट के बाद होगी इंशाल्लाह. ठीक है जी, आगे बढ़ते. तो ये हमने जरा स्ट्रक्चर देख लिया कि किस तरीके से डिफरेंट सोर्सेज ऑफ इनकम के ऊपर टैक्स चार्ज होता है विदहोल्डिंग. बाज औकात एक आम बंदे की जिंदगी में जो हमें इनकम मिलती है वो तकरीबन विदहोल्ड होके ही मिलती है, और एक एग्जाम्पल हमने इसका सैलरी का देख लिया. लेकिन अब अच्छा हाँ, अब आप इस बात का ये मतलब नहीं समझेगा कि जो मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ उसका आप भी जवाब ना दें. मनाही आपके सवाल पूछने की है, क्योंकि मैं जब तक आपसे सवाल नहीं पूछूंगा तब तक कुछ लोग मुझे जवाइयां देते हुए भी नजर आ रहे हैं, सोते हुए भी नजर आ रहे हैं. अब मैं ऐसे अपनी कोताही समझ रहा हूँ कि मैं इतना अच्छा प्रेजेंटर नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल हम जरा विल डू व्हाटएवर वी हैव. तो अगला जो सवाल है वो ये है कि क्या हर किसी को अपने टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत है, या सिर्फ जो है वो जैसे चंद हजरात है, वो बहुत बड़े इन्वेस्टर्स यहाँ पे बैठे हुए हैं ना, तो क्या इन लोगों को अपने टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत है या बकिया लोगों को भी करने की जरूरत है? क्या कहते हैं, हर किसी को करने की जरूरत है, बेवाएं भी हो और जो है वो सीनियर सिटीजन भी हो? कुछ मेरे क्लाइंट्स हैं जो जिनकी उम्र जो है वो 70 साल है, अब वो क्या उनको भी टैक्स रिटर्न फाइल करने की मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है या मैंने उन्हें फांसा हुआ है? क्या कहते हैं जी? अच्छा ठीक है जी, आप क्या कह रहे हैं? बिल्कुल ठीक है, टैक्स नेट में आ रहा है, बिल्कुल सही जवाब है. अच्छा पीछे से भी कुछ जवाब आ रहे हैं जी, आप बताएं. आप टैक्स प्रोफेशनल तो नहीं है? नहीं, जितनी टेक्निकल आप चले गए. अच्छा चले जी, प्लीज बताएं. हाँ जरूरत तो ये, लेकिन ये फिर आपने मुझसे सवाल पूछ लिया ना. हाँ मैंने इसकी गुजारिश की थी, लेकिन चले मैं इसका जवाब दे देता हूँ, बाकी फिर आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा. उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि वो लीगल रिक्वायरमेंट है, और ये 3-4 साल पहले नहीं होती थी, अब है तो बहरहाल करना पड़ेगा. लेकिन हाँ, तो ये हम एक तो ये इस्टेब्लिश हो गया कि ये जैसे आपने कहा टैक्स नेट में आ रहे, और हमने ये डिसाइड किया कि भाई वो टैक्सेबल इनकम अगर है तो उन्होंने करना है. लेकिन एक और मेरा आपसे सवाल है, तो क्या ये सिर्फ इनकम ही है या कोई और भी क्राइटेरिया अगर मीट हो रहा है तो फिर भी करना पड़ेगा? हाँ बिल्कुल, ये एक और गहरी बात इनकी तरफ से आई है. आपका नाम क्या है? शफीक साहब. Absolutely, बिल्कुल ठीक है. ये क्या है, ये एसेट क्राइटेरिया है, इसे जरा देख लेते हैं. तो किन किन लोगों को अपने टैक्स रिटर्न फाइल करने की रिक्वायरमेंट है, इसकी दो ब्रॉड कैटेगरीज है. एक है इनकम कैटेगरी और दूसरी कहलाती है एसेट कैटेगरी. इनकम कैटेगरी हमने देख ली कि भाई आपकी अगर टैक्सेबल इनकम है, जिसमें कौन से एग्जाम्पल हमने देख ली, हमने देखा कि अगर आपकी फॉर एग्जाम्पल सैलरी इनकम है, अगर आपकी फॉर एग्जाम्पल डिविडेंड इनकम आ रही है, कैपिटल गेन के ऊपर इनकम आ रही है, तो ये फिर आपकी टैक्सेबल इनकम आ गई. और सैलरी इनकम के ऊपर अगर आप थ्रेशोल्ड को एक्सीड करते हैं तो फिर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है काउंटर पार्टी कंपनी के ऊपर कि उन्होंने टैक्स रिटर्न के आपका टैक्स उन्होंने कलेक्ट भी करना है, विदहोल्ड भी करना है, और फिर आपके ऊपर भी रिक्वायरमेंट है कि आपने अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना है. तो ये कौन सी होगी? इनकम रिक्वायरमेंट. ऐसे ही आप डिविडेंड इनकम रिसीव कर रहे हैं, ऐसे ही आप कैपिटल गेन्स के ऊपर इनकम रिसीव कर रहे हैं, ऐसे ही आप रेंटल इनकम रिसीव कर रहे हैं. तो इन तमाम जो भी आप इनकम रिसीव कर रहे हैं, अगर आप ये थ्रेशोल्ड को एक्सीड करते हैं, रेंटल का बेसिक थ्रेशोल्ड क्या है? 2 लाख रुपए. बिल्कुल ठीक है, 2 लाख सालाना जी, मंथली नहीं. तो ये सालाना 2 लाख से अगर आप ऊपर जाते हैं तो फिर आपकी टैक्स या तो विदहोल्डिंग होगी या नहीं हो रही, तो फिर भी आपका अगेन जैसे स्टार्ट में था ना, कौमी फरीजा है कि आपने टैक्स रिटर्न भी फाइल करना है, उसके ऊपर टैक्स भी पे करना है. तो एक तो ये इनकम बेसिस हो गई, दूसरी ये चीजें हम देख रहे हैं. जैसे अभी शफीक साहब ने जो है ना बड़ी डिटेल के साथ बताया कि ये एक तो ये है कि गाड़ी की रिक्वायरमेंट है कि भाई किसी के नाम पे गाड़ी है जिसकी कैपेसिटी कितनी है, 1000 cc से ऊपर, तो फिर उनके ऊपर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है. अब 1000 cc में कौन सी गाड़ी आती है? मेहरान आती है, ऑल्टो आती है, 980 cc है, सिटी आती है, कल्टस आती है, ऑल्टो का मुझे कंफर्म नहीं है. हाँ
तो कटस भी नहीं है, चले सिटी तो डेफिनेटली है, तो हाँ तो जिसके ऊपर आ, छोड़ दे चले, गर्मी वैसे भी हो रही है, आगे बढ़े तो 1000 cc से ऊपर जो भी गाड़ियां होंगी किसी के नाम पे है और उनकी और कोई भी एक्टिविटी नहीं है, ये समझने वाली बात है कि कोई इनकम नहीं है, कोई और एसेट नहीं है, ये कैटेगरी अप्लाई होती है, तो अब मैंडेटरी रिक्वायरमेंट के आपने टैक्स रिटर्न फाइल करें। ऐसे इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में भी है। ये प्रॉब्लम कब हुई कि लोगों ने क्या करना शुरू किया कि भाई इनकम तो उनकी है, एसेट्स बना रहे, वो नाम अपने भी नहीं कर रहे, एक एसेट इधर रख दिया, एक एसेट उधर रख दिया। FDR को बहुत बार, क्योंकि गवर्नमेंट का पर्सपेक्टिव समझे ना, गवर्नमेंट को पता होना चाहिए कि भाई हमारे सिटीजंस की वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से, कितने लोग हैं, उनकी क्या सोर्स ऑफ इनकम है और उनके नाम पे क्या क्या एसेट्स है। ये जब एक ब्लैक होल होता है ना उनके सामने, तो वो भी, उन्हें भी मजा नहीं आता, वो भी समझते हैं कि नहीं, हमें किसी ना किसी तरीके से इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। तो ऐसी सिचुएशन में उन्होंने डिसाइड किया कि जिसके नाम पे इमूवेबल प्रॉपर्टीज है, अब ये यहाँ पे कुछ टैक्सी 19 की भी चीजें हैं, लेकिन फॉर एग्जाम्पल एक कॉमन एग्जाम्पल है कि भाई अर्बन एरिया में अर्बन एरियाज कौन से है, ये अतराफ के इलाकों के अलावा बाकी जो भी एरियाज है हमारे अर्बन एरियाज, तो अर्बन एरियाज में अगर किसी के नाम पे फ्लैट है इरिस्पेक्टिव ऑफ द एरिया, ये अहम बात है, अब वो एरिया 600 फीट हो, 700 हो, 900 हो, 800 हो, कुछ भी हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ एरिया, अगर किसी के नाम पे फ्लैट है तो मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है टैक्स रिटर्न फाइल करना है। ऐसे ही अगर अर्बन एरिया में इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जैसे टैक्स 20 में है, 500 गज से ज्यादा की इमूवेबल प्रॉपर्टी अगर है, तो फिर भी मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि आपने अपना टैक्स रिटर्न फाइल करना है। फिर जो रेटिंग एरिया अतराफ के एरिया होते हैं उसमें जरा कम होता है, जैसे फ्लैट है तो फिर वो 2000, लेकिन वो अतराफ के एरिया में वैसे ही फ्लैट्स नहीं होते, तो अर्बन एरिया वाली बात समझ लें, ये ज्यादा अहम है कि भाई कुछ भी उसका एरिया हो, किसी के नाम पे सिर्फ फ्लैट है, मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, वरना FDR की नोटिसेस आते हैं और अब तो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंसी के साथ आ रहे हैं। मेरे कई क्लाइंट्स हैं, उनके फैमिली स्पाउसेस हो गए, डिपेंडेंट्स हो गए, फैमिली मेंबर्स हो गए, सैकड़ों की तादाद में नोटिसेस FDR इशू कर रहे हैं। तो एक तो ये टैक्स रिटर्न हो गया। अच्छा, क्या सिर्फ टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है, कुछ और भी फाइल करना होता है? वेल स्टेटमेंट फाइल करना होता है। वेल स्टेटमेंट में क्या बताना होता है? एसेट्स बताने होते हैं और लाइबिलिटीज भी बतानी होती है, इंक्रीज डिक्रीज भी बताने होते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन अहम बात एक जो समझने वाली है वो ये है कि मैंने ना सिर्फ बताने एसेट्स, मैंने ये भी बताने कि साल के स्टार्ट में क्या एसेट्स थे और लाइबिलिटीज थी। सर आपको नजर आ रहा है, सिर्फ मैं नजर आ रहा हूँ? अच्छा चले, मैं अपनी स्लाइड से ज्यादा अच्छा हूँ तो आप मुझे ही देख रहे, कोई मसला नहीं। तो ये क्या बताने हमने कि हमारे जो एसेट्स हैं वो साल के स्टार्ट में क्या एसेट्स थे। अच्छा, ये गर्मी हो गई, लाइट चली गई या? अच्छा चले, बहुत अच्छी बात है। चले, उम्मीद है कि अगर आप लोगों को ज्यादा गर्मी हो रही है तो फिर हम जल्दी खत्म करेंगे, लेकिन अगर आपको मेरी बातों से मजा आ रहा है तो फिर हम लंच तक खींचेंगे। चले इंशाल्लाह। तो हमें यह भी बताना है कि साल के स्टार्ट में क्या एसेट्स थे, साल के आखिर में क्या एसेट्स थे, साल के स्टार्ट में क्या लाइबिलिटीज थी, आखिर में क्या लाइबिलिटीज थी। हमने ये भी बताना है कि मेरे नाम पे क्या एसेट्स थे, मेरे स्पाउस के नाम पे क्या एसेट्स थे, माइनर चिल्ड्रन के नाम पे क्या एसेट्स थे, घर में कुछ और फैमिली अगर डिपेंडेंट्स है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से बेवा बहन है, आंट है, या कुछ और लेट्स से भाई बहन है जो हमारे ऊपर डिपेंडेंट्स है, तो उनके नाम पे भी अगर मैंने कोई एसेट रखा हुआ है और पीछे सोर्स ऑफ इनकम मेरा था, तो अब मेरी रिक्वायरमेंट है कि मैं अपनी वेल्थ स्टेटमेंट में उसे डिक्लेयर करूंगा। ये एक बहुत बड़ा एक टेक्निकल पॉइंट है जो अक्सर लोग मिस करते हैं। वो समझते हैं कि नहीं, सिर्फ जो लीगल टाइटल जिसके पास है उसी की ऑब्लिगेशन है कि वो अपने टैक्स रिटर्न और वेल्थ स्टेटमेंट के अंदर शो करे। तो ये हमारी ऑब्लिगेशन है कि अगर वो उसके पीछे सोर्स ऑफ इनकम मेरा था तो वो टैक्स रिटर्न अपने ही में मैंने उसको डिस्क्लोज करता है। और प्रॉब्लम यही होता है क्योंकि वो एसेट आपने भी डिस्क्लोज नहीं किया और उन्होंने ये समझा कि अच्छा मेरी तो कोई इनकम नहीं है तो मैं टैक्स रिटर्न भी फाइल नहीं करता या करती, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, वो अनडिक्लेयर्ड एसेट हो जाएगा। आपके पास भी अनडिक्लेयर्ड है, वहां पे भी अनडिक्लेयर्ड है, तो ये फिर बेनामी एसेट्स के जिम्मे में आ सकता है। जरूरी नहीं है आ जाए, कुछ और कंडीशंस भी मीट होनी चाहिए, लेकिन आ सकता है और फिर वो और फर्दर कॉम्प्लिकेशंस हो जाती है। आजकल आप अगर आप न्यूज फॉलो कर रहे हैं, आपने सुना होगा कि प्राइम मिनिस्टर से डायरेक्टिव्स आए हैं कि सारे जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं उनके ऊपर ये रिस्पांसिबिलिटी है कि आप भाई जगह जगह विजिट करें और अपने एरिया में बताएं कि कौन सी प्रॉपर्टी बेनामी है। अभी वो कैसे बता सकते हैं वो अल्लाह ही जानते हैं, प्राइम मिनिस्टर जानते हैं, लेकिन सामने एक प्रॉपर्टी है, घर देख के कोई नहीं बता सकता ये बेनामी है, इसका कोई ओनर है, किसी ने डिक्लेयर की हुई है। तो FDR में मैंने डिक्लेयर की हुई तो आपको कैसे पता कि मैंने डिक्लेयर की हुई। लेकिन बहरहाल आपका काम यह है कि आप अपने तौर पर तैयारी पूरी रखें और ये चीजें आप डिक्लेयर करें। तो इस वजह से ये बहुत अहम बात है
कि हम अपने और स्पाउसेस और माइनर चिल्ड्रन और डिपेंडेंट्स के नाम पे जो भी एसेट्स हैं वो यहाँ पे बताएं। सर थोड़ा थोड़ा मुझे टाइम दे दें, फिर हम ब्रेक उसमें उसमें सवाल पूछ रहे हैं। तो और दूसरी अहम बात ये भी है कि ये मैंने इंक्रीजेस और डिक्रीजेस भी बता रहे हैं, जैसे अभी यहाँ से वाज है, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस भी बता रहे हैं। अच्छा, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस के रीजन क्या हो सकते हैं, क्या रीजन होगा क्यों मेरी वेल्थ जो है वो बढ़ेगी और डिक्रीज होगी? अगर मेरे पास पैसे पड़े हुए हैं और मैंने उसे प्रॉपर्टी ले ली, तो क्या इससे मेरी वेल्थ बढ़ेगी या डिक्रीज होगी? बढ़ेगी, कुछ भी नहीं होगा। ये सही सवाल है, क्योंकि क्या होगा, हाँ जो कैटेगरी है सिर्फ वो चेंज होती है। एग्जैक्टली, वेल्थ स्टेटमेंट का जो टोटल है वो मेरा चेंज नहीं होता। तो फिर क्या रीजन है जिस चीज की वजह से मेरी वेल्थ अचानक से बढ़ सकती है या कम हो सकती है? बिल्कुल, ये सारे रीजन अप्लाई होते हैं। तो एक तो हम ब्रॉड हमारी कैटेगरी हो गई, क्या हो गई, इनकम। वो आपकी कोई भी किस्म की इनकम हो, वो आपकी रेंटल इनकम हो, प्राइस बॉन्ड्स हो, सैलरीज हो, लेकिन उसके साथ एक इंपॉर्टेंट शर्त ये भी है कि हाँ खर्चे कंट्रोल में हो। दोनों एंगल्स आपने देख रहे हैं ना, इनकम हो गई, खर्चे भी हो गए, तो फिर तो ये आप एट द एंड ऑफ द ईयर जरा कम पे खड़े होंगे। तो ये दोनों एंगल्स आपने देखते हैं। अच्छा, दूसरी भी चीजें होती हैं। और कौन सी चीजें होती हैं? गिफ्ट्स, इनहेरिटेंस, डिवोर्स के केस में अंडर एन अग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, ये भी चीज उसके अंदर आती है। अच्छा, ऐसे ही आपका नाम सर, ऐसे ही आपका नाम सर, जावेद साहब, जावेद साहब ने बड़ी जो है वो अच्छे तरीके से, जावेद साहब ने बड़े अच्छे तरीके से मेंशन किया कि फॉरेन रेमिटेंस जो है ये भी एक बहुत बड़ा अहम सोर्स है, वो भी यहाँ पे आता है, फॉरेन रेमिटेंसेस, इसके बारे में भी जरा हम डिस्कस करते हैं। तो ये तमाम चीजें जो है ये हम कहाँ पे बताते हैं, वेल्थ रेकंसिलिएशन स्टेटमेंट के। ये स्टेटमेंट जरा आपको समझना है, क्योंकि स्टेटमेंट के अंदर ही सबसे बड़ी गलतियां होती हैं और स्टेटमेंट के अंदर ही हमें सबसे ज्यादा लाइबल किया जाता है। क्योंकि समझे, अगर मेरी इनकम है, अब मैं एक आम नौकरी पेशा इंसान हूं, या मैं थोड़ी सी मैंने इन्वेस्टमेंट की है शेयर्स के अंदर, तो उसकी जो भी मेरी इनकम है वो तो मुझे टैक्स कट के मिलता है। अगर मैंने डिक्लेयर नहीं भी किया, फॉर एग्जाम्पल फर्ज करते नहीं भी किया, तो बहुत बड़ा गुनाह नहीं हो जाएगा, क्योंकि टैक्स में पे कर चुका हूं। लेकिन जब मैं वेल्थ स्टेटमेंट पे आता हूं और यहाँ पे एक प्रॉपर्टी है मेरी, फ्लैट है, अब आबाई फ्लैट है, काफी टाइम से आ रहा है, और मैं ये भी कंफ्यूज हूं कि पता नहीं मेरे वाल साहब मुझसे खुश हैं या नहीं है, तो उन्होंने मेरे नाम पे करना है या नहीं करना, इनहेरिटेंस में आता है नहीं आता, तो मैं अपने पास डिक्लेयर करूं या ना करूं। अच्छा, मेरे पांच भाई बहन भी हैं, तो मैं अपना 50% अपने पास करूं या बकिया, या मैं सब में डिवाइड करूं, बहुत कॉम्प्लिकेशंस है ना जहन में। तो ऐसी सिचुएशन में अगर मैंने नहीं डिक्लेयर किया, तो फिर लॉ में मेरे अगेंस्ट आ जाएगा कि नहीं भाई, ये तो आपकी इनकम थी, उसके जरिए से आपने एसेट बनाया था, वो आपने डिक्लेयर नहीं किया, तो ये इसकी वैल्यूएशन 5 करोड़ है, इसके ऊपर जो है वो 30% के हिसाब से आप टैक्स पे कर दें, तो कितना हो गया, 1.5 करोड़ हो गया। तो ये तो मुझे वो घर बेचना पड़ जाएगा अगर मुझे इसके ऊपर टैक्स पे करना पड़ गया। तो इस वजह से ये वेल्थ के अंदर जो है बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं। बीच में आपको याद होगा, एक दो एमनेस्टीज आई एक ही साल में, तो ये एमनेस्टीज में हमने पता नहीं कितने केसेस ऐसे फाइल किए कि उन लोगों की और कोई गलती नहीं थी, सिर्फ ये था कि उन्होंने पिछले सालों में डिक्लेरेशन प्रॉपर नहीं की थी, बैंक अकाउंट सही नहीं बताए थे, या प्रॉपर्टीज थी वो ठीक से नहीं बताई थी। तो ये सारी जो है ये चीजें प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। तो इस वजह से इस स्टेटमेंट को जब भी आपने बना रहे, वो हजरात जो ऑलरेडी फाइल करते हैं वो भी जरा टेक्निकल इसका रिव्यू ठीक से करा ले, और वो लोग जो फर्स्ट टाइम फाइल कर रहे हैं उन्होंने तो और डबल ख्याल करना है कि भाई आपने देखना है कि मैं इसके अंदर क्या डिक्लेरेशन करूं और क्या डिक्लेरेशन नहीं करूं। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, दूसरा मैंने बताया कि भाई इसके अंदर एक गिफ्ट आते हैं और इसके अंदर जो है वो इनहेरिटेंस के मामला आते हैं। तो ये गिफ्ट से क्या मामला है, गिफ्ट टैक्सेबल होता है या नहीं होता, क्या कहते हैं आप लोग? अच्छा, और जो गिफ्ट दे रहा है उसके लिए टैक्सेबल होगा या नहीं होगा? आपकी एक प्रॉपर्टी थी, आपने टैक्स, आपने उसे आगे गिफ्ट कर दिया। ये मैं अक्सर सुनता हूं कि यार ये हम क्या करते हैं, गिफ्ट करा देते हैं, इसे इधर गिफ्ट करा दिया, उसे उधर गिफ्ट करा दिया, वो एक जो है वो एक म्यूजिकल चेयर्स जो है उसकी गेम चल रहा होता है। क्या सारे मुत्तफिक हैं कि अगर गिफ्ट है तो इनकम टैक्स नहीं लगेगा? इसको देंगे उसको पे करना पड़ेगा,
So, जब कंफ्यूजन होता है ना मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मैं आहिस्ता आहिस्ता कंफ्यूजन जरा दूर करता जाता हूँ. बेहतरीन. तो ये गिफ्ट्स और इनहेरिटेंस के मामला, जी एक आखिरी इनपुट लेते हैं फिर मैं आगे बढ़ता हूँ. जी प्लीज. तो लाजमी आपको टैक्स लगेगा. कौन सा टैक्स लगेगा? हमारे यहाँ टैक्स भी तो 72 किस्म के है ना. एक नामवर इकोनॉमिस्ट थे, उनकी मैंने प्रेजेंटेशन अटेंड की थी, उन्होंने बड़ा एक कॉम्प्रिहेंसिव एक रिसर्च करके लाए थे और गवर्नमेंट को उन्होंने बताया कि मैंने बताया कि भाई आपके यहाँ एक नॉर्मल पेशा इंसान वो ही सब्जेक्ट टू अराउंड 72 से 75 टाइप्स ऑफ डिफरेंट टैक्सेस. एक बिजनेस बंदा इंसान ओपन करता है उसको पहले 10 डिफरेंट इदारों से नोटिसेस आते हैं. SRB से भी आएगा, इनकम टैक्स से भी आएगा, ट्रेड बॉडीज से भी आएगा, प्रोफेशनल टैक्स के इदारे से भी आएगा और चंद और भी इदारे जिनका मुझे नाम भी नहीं पता, बस नोटिस आ जाता है. अफसर का नाम पता है अलबत्त. तो ये एक अलमिया है. तो कौन सा टैक्स है सर जो आएगा? FBR का लगेगा. अच्छा हाँ, इसमें थोड़ी और वजाहत की बात है. देखें गिफ्ट्स, ये भी आप समझे जरा, गिफ्ट्स के भी बड़े अहम मामलात होते हैं. गिफ्ट्स और इनहेरिटेंस दोनों के किस तरीके से है कि भाई गिफ्ट के अंदर दो पहलू होते हैं. एक देने वाला है उनकी मेहरबानी और एक लेने वाले हैं, दो लोग हैं. ऐसे इनहेरिटेंस के भी मामलात है. अब इस चीज के अंदर जो देने वाला है, सबसे पहला सवाल तो यह है कि फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं बताऊं, एक हमारे क्लाइंट थे, उन्होंने प्रॉपर्टी जो है वो 60 की दिहाई मिली थी. अब उस प्रॉपर्टी की वैल्यू उस वक्त उन्होंने 300 रुपए पे की थी, ऐसा ही है उस वक्त वैल्यूज ही ऐसी होती थी. अब उसकी वैल्यू जो है लेट्स से 2.5 करोड़ है. अब उन्होंने अपने बच्चों को वो गिफ्ट दे दी या इनहेरिटेंस में चली गई, तो ये बीच में जो है अगर 2 करोड़ है तो 1,99,799,700 रुपीज, ये क्या हो गया? गेन हो गया. ऐसा ही है. तो ये गेन जो है ये उनके लिए टैक्सेबल है या नहीं, ये एक सवाल है. हाँ, आप तो इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात करें ना, चलो मैं गाड़ी की बात करता हूँ, मैं शेयर्स की बात करता हूँ, उसमें होल्डिंग पीरियड का मामला नहीं अप्लाई होता, कम होता है, कम होता है. प्राइवेट कंपनी के चले शेयर्स उठा लेते हैं, आप मुझे फंसा रहे हैं, मैं और बता रहा हूँ. चलिए प्राइवेट कंपनी के शेयर्स उठा लेते हैं. तो नहीं, पहले आप मेरे सवाल का जवाब दें. नहीं, मेरी आपसे गुजारिश है पहले मेरे सवाल का आप जवाब दें. प्रॉपर्टी के असल में मामला जो है ना वो और कॉम्प्लिकेटेड है, वो थोड़ा और आगे हम डिस्कस करते हैं. क्योंकि सर ये टैक्स का सब्जेक्ट जो है ना, ये एक घंटे का सब्जेक्ट है ही नहीं. इसके अंदर इतनी गहराई है कि टैक्स प्रोफेशनल्स भी हमेशा कंफ्यूज रहते हैं. जावेद साहब, वैसे ही है, आप टैक्स प्रोफेशनल हैं? प्रोफेशनल भी है. अच्छा सर, मेरी आपसे गुजारिश है, थोड़ा आप मुझसे बियर विद मी. ठीक है जी, आपका नाम सर? नदीम साहब. नदीम साहब बहुत माजरत के आरिफ साहब ने मुझे इजाजत दी है, बल्कि नहीं, इन्होंने मुझे कहा है कि आप 10 मिनट में रैपअप करें. नहीं नहीं, ऐसे नहीं कहा इन्होंने मुझे. नहीं सर, मैं करेक्ट कर देता हूँ, आपको दोबारा आने की जरूरत नहीं है. आरिफ साहब ने मुझे इजाजत दी है कि आप आधे घंटे तक आप आराम से इसको चला सकते हैं. सर ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही. चले सर, आप जो है ना, अच्छा यार साहब, दो वर्ष थोड़ा सा मुझे मौका दीजिएगा. मैंने फरुख साहब से कहा कि आधा घंटा ले सकते हैं, मैं अभी कह देता हूँ कि 45 मिनट ले सकते हैं. हम कोशिश करेंगे कि आप में से कोई अनसेटिस्फाइड नहीं जाएगा. लेकिन जो जो यहाँ पे दूसरी बात है, आप ही सोल्यूशन बता रहे हैं. अरे बिल्कुल, मेरा गुजारिश ये है कि मेरी गुजारिश ये है कि मैं खुद भी स्पीकर हूँ और CDC के बहुत सारे इवेंट्स को मैं खुद कंडक्ट करता हूँ. मेरी गुजारिश ये है कि स्पीकर को बोलने दें और आप लोगों को, ताकि ताकि लोगों को नींद ना आए और बोरिंग ना हो जाए और एक ही तरफ डायरेक्शन में ना चले जाए स्पीच, इसलिए आप लोगों को एंगेज किया जाना. थैंक यू, शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच. अमूमन जो है ना, हाँ खैर अमूमन नहीं, ये पहली दफा ही है कि
मेरी प्रेजेंटेशन के दौरान जो है ना वो जैसे आरिफ साहब की बड़ी मेहरबानी, उन्होंने आके जो है वो ऑडियंस को कंट्रोल करने में मेरी मदद की है, और आप लोगों से, और ये आपको सोचना चाहिए कि थोड़ा जो है इस चीज की जरूरत ना पड़े, लेकिन बहरहाल हम इसको आगे ही बढ़ाते हैं। देखिए ये टैक्स का जो टॉपिक है ना, ये एक जनरल मजाया बात नहीं है, ये जब तक इसको आपकी तरफ से एंगेजिंग नहीं बनाया जाएगा तब तक जो है आप, क्योंकि आप ऑडियंस को नहीं देख सकते, मैं देख सकता हूँ और मुझे पता है कि कौन कहाँ पे जो है वो फंसा हुआ है और किसके जहन में क्या कंसर्न्स हैं और किसका जो है वो दिल कर रहा है उठने का, तो इस वजह से एंगेजिंग बनाना बहुत जरूरी है, इसमें आप मेरी बात मान लें। चले हम यहां से आगे बढ़ाते हैं। तो हम डिस्कस कर रहे थे गिफ्ट के मामलात को, गिफ्ट के मामलात। अब गिफ्ट के जो मामलात है ना, अब ये आपके लिए जो बंदा गिफ्ट दे रहा है टैक्सेबल, और ये मैं ऐसे ही एंगेजिंग तरीके से चलाऊंगा जी। तो ये गिफ्ट के जो मामलात है, ये जो बंदा गिफ्ट दे रहा है ये उसके लिए टैक्सेबल होगा या नहीं होगा ये डिपेंड करता है। एक इसकी बहुत बड़ी कंडीशन जो है वो ये है कि जो रेसिपिएंट है ये गिफ्ट में भी अप्लाई होगा, ये इनहेरिटेंस के मामलात में भी अप्लाई होगा, ये किसी तलाक के मामले में भी अप्लाई होगा, जिसमें एग्रीमेंट ये है कि भाई आप, हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स कर रहे हैं, 50-50 करेंगे, 60% करेंगे, जो भी हम करेंगे सब तमाम चीजों के अंदर। क्योंकि मेरा एक एसेट है, अब अचानक से मैं आपको दे देता हूँ, FBR आपको भी तो कह सकता है ना कि भाई आपने जब लिया था तो इसकी वैल्यू थी 500 रुपए, अब इसकी वैल्यू है 2 करोड़ रुपए, तो ये बीच में जो जंप आया है, क्योंकि समझे इस बात को, अहमियत क्या है इस बात की, आपने जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने, सर आपका नाम क्या है, अहमद साहब, आपने जो है, आप अहमद साहब जो है ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, इतनी हमारी दोस्ती हो गई है इस प्रेजेंटेशन के दौरान। तो इन्होंने जो है वो अपनी गाड़ी जिसमें आए, इन्होंने मेरे नाम पे गिफ्ट कर दी, अब इन्होंने, चले थैंक यू अहमद साहब, लव यू फॉर दैट। तो ये 5 लाख की गाड़ी थी, अब इसकी वैल्यू जो है वो क्या हो गई, 12 लाख प्रॉपर्टी बिल्कुल। तो अब क्या है, ये 7 लाख का जो है ये गेन है। अच्छा, मैं जब अपने पास रिकॉर्ड करूंगा तो अब ये आपसे मेरा सवाल है कि ये मैं अपने पास इसको रिकॉर्ड करूंगा 5 लाख पे या 12 लाख पे, ये एक अहम सवाल है ना। 12 पे करेंगे, क्योंकि क्या है ये फेयर मार्केट वैल्यूएशन के रेट पे करनी है, सही है। अभी ये लॉ के बड़े इंट्रिंसिक पहलू है, इसे जरा समझे थोड़ा, कि ऐसा भी मुमकिन है। अभी टैक्स में जो है वो एक हम काम करते हैं कि मैं इस चीज को बेचने जा रहा हूं, अब इसको हम यूं करते हैं कि भाई लेट्स से इसकी आप मुझे दे दे, आप मेरे बड़े भाई हैं, आपके पास से आउट हुआ 5 लाख, आपको गेन नहीं लगा, और मेरे पास से इन 12 लाख, और मैंने ये इसको इन किया 12 लाख पे, अब इसकी मार्केट वैल्यू कितनी है 12 लाख की, और फिर मैंने इसे बेच भी दिया, तो क्या हुआ, बीच में कहीं गेन आया ही नहीं किसी चीज के ऊपर। तो इस वजह से मुमकिन है, बिल्कुल मुमकिन है। तो इस वजह से ऐसी ट्रांजैक्शंस को अवॉइड करने के लिए स्पेशली ये अलाउ किया गया कि भाई ये फैमिली के अंदर जो मूवमेंट है ये सही है, ऐसा ना हो कि कोई गैर लोग एक दूसरे को ट्रांसफर कर रहे हैं सिर्फ टैक्स अवॉइड करने के लिए, क्योंकि ये तो एक लॉजिकल बात है, अगर इसको भी FBR ने डिसअलाउ कर दिया और टैक्स कर दिया तो लोग तो सड़कों पर आ जाएंगे, ऐसे ही है ना, आएंगे आप लोग नहीं आएंगे, अच्छा मैं उधर तो आ जाता, क्योंकि मेरी एक फंडामेंटल राइट है ना वो इन्फ्रिंज हो रहा है। तो इस वजह से जो फैमिली के जो मामला थे ट्रांसफर ऑफ एसेट्स है वो तो अलाउ किए गए, वो आप करें। इसके अलावा अगर कोई एक दूसरे को एसेट देता है तो उनको फिर अगर गिफ्ट देने वाला है तो उसके बिहाफ पे भी टैक्सेबल हो जाएगा, रिसीविंग के भी टैक्सेबल हो जाएगा। अगर अहमद साहब जो है, जैसे अभी है ब्लड रिलेटिव नहीं है, ऐसी सिचुएशन में उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया तो मेरे लिए भी टैक्सेबल होगा, इनके लिए भी टैक्सेबल होगा गेन। तो ये गिफ्ट्स के मामलात है, ऐसे इनहेरिटेंस के अंदर भी अप्लाई होता है, इनहेरिटेंस तो हो ही नहीं सकती, गिफ्ट हो सकती है। तो एक तो ये चंद चीजें हैं जो हम कहां पे बताएं, ओरिजिनल हमारा टॉपिक क्या था, वेल्थ रेकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये चीजें यहाँ पे आती हैं। और यहाँ पे कौन सी चीजें आती हैं, कैसे, नहीं उसमें भी नहीं होता। अगर आप अपने स्पाउस को गिफ्ट देते हुए अगर उस पर टैक्स लग जाए तो वो फिर जो हल्के फुल्के चंद लोग देते हैं वो भी नहीं देंगे, नहीं लगेगा, मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं लगेगा। अगर लगेगा तो फिर दंगे हो जाएंगे, नहीं लगेगा, ठीक है जी। तो एक तो ये वेल्थ रेकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर ये चीजें हमने बता दी। अच्छा, दूसरी जो है वो फॉरेन रेमिटेंस का एक छोटा सा पॉइंट है, वो ही समझ लें, फॉरेन रेमिटेंस टैक्सेबल होते हैं या नहीं होते। हाँ, 50 लाख जो है ये कौन से साल की लिमिट है, ये टैक्स 20 की लिमिट है। टैक्स 19 में लिमिट क्या थी, 1 करोड़ रुपए, और टैक्स 18 में लिमिट क्या थी, अनलिमिटेड। आप अपने अकाउंट में 5 अरब भी मंगवा ले, आपसे FBR नहीं पूछेगा, प्रोवाइडेड क्या वो फॉरेन रेमिटेंसेस हो और आपके बैंकिंग चैनल में आए और आपके पास उसके अगेंस्ट PRC होनी चाहिए,
प्रोसीड रियलाइजेशन सर्टिफिकेट जो कि बैंक आपको देता है। तो ये चीज फॉरन रेमिटेंसेस का ये मामला है और अक्सर इस चीज को इस्तेमाल भी किया जाता है और लीगली अलाउड, इसमें कोई मसला नहीं। तो वेल्थ रेकंसिलिएशन स्टेटमेंट के अंदर ये चीजें हमारे पास आती है। यहां से सिक्योरिटी से रेट क्या, वो भी बिल्कुल गिफ्ट किया जा सकता है। वो आपको वो भी ट्रांसफर डीड जो है वो एक तो आप बनानी होती है, एक डीड आपने बनानी होती है और दूसरा आपने ये कहा रजिस्टर्ड नोटराइज्ड और वही फिर आप देते हैं एनसीसीपीएल को और वो गिफ्ट के बाद में ट्रांसफर हो जाते हैं। प्रैक्टिकली ऐसा होता है, कई दफा मैंने करवाया ये चीज। नहीं, इस पे टैक्स नहीं लगेगा और इसके अंदर होगा फैमिली, लेकिन देखें एक्सटेंडेड फैमिली है ना, तो वो जो ट्रांसफर आउट करने वाला है उसमें फिर प्रॉब्लम हो सकता है। एक्सटेंडेड फैमिली मतलब इमीडिएट जो फैमिली होती है ना, भाई बहन स्पाउस और पेरेंट्स हो गए, ये इमीडिएट फैमिली है। इमीडिएट जो ट्रांसफर आउट करने वाला है वो अगर फॉर एग्जाम्पल ट्रांसफर आउट कर रहा है तो फिर इमीडिएट फैमिली को देते तो टैक्स नहीं होता और रिसीविंग साइड में तो बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन अगर आप फैमिली से बाहर जाते हैं तो फिर इट्स पॉसिबल। इस सवाल को आप होल्ड करें, इससे जरा हम सेशन के आखिर में तमाम आपके क्वेश्चंस जो है ना डिटेल में, क्योंकि थोड़ा डिटेल सिनेरियो है, ठीक है सर, इसको जरा होल्ड करें। बाकी क्वेश्चंस भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि होल्ड करें, बाकी सारे क्वेश्चंस हम सेशन के आखिर में लेंगे। तो एक तो हमने वेल्थ रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट डिटेल में देख लिया, दूसरा है बेनिफिट्स ऑफ टैक्स रिटर्न फाइलिंग। एक तो हमने स्टार्ट में देखा था वो क्या था कि क्या होता है, आप अपने एडवांस एडजस्टेबल टैक्सेस को क्या कर सकते हैं, एडजस्ट करा सकते हैं। दूसरा ये है, ये भी पॉइंट जो है वो अहमद साहब ने स्टार्ट में बताया था कि भाई ये आप फाइलर और नॉन फाइलर के रेट्स कंप्लीटली डिफरेंट है। अब तो यहां तक किया गया है कि ये क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, हर चीज के ऊपर रेट अब डबल हो जाएगा, जिसमें ये तमाम चीजें हमारे पास आती है, जिसमें ट्रांसफर ऑफ रिमूवेबल प्रॉपर्टीज है। अभी आप समझें ये चार्ज होते हैं आपके एफबीआर वैल्यूएशन रेट्स के ऊपर, और ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल क्या होता है आपकी बैंकिंग ट्रांजेक्शन है, आप ट्रांसफर ऑफ फॉर एग्जाम्पल मोटर व्हीकल्स, रजिस्ट्रेशन मोटर व्हीकल्स, जहां पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि अगर आप नॉन फाइलर हैं तो उसके ऊपर टैक्स लग जाता है 15,000 से 7.5 लाख तक, और अगर आप फाइलर हैं तो फिर ये रहता है 7,500 से 2.5 लाख तक, डिपेंड करता है इंजन कैपेसिटी के ऊपर, सीसी कितनी है गाड़ी की। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल लॉ में इस दफा स्पेशल एक स्केड्यूल इंट्रोड्यूस कराया गया है 10 स्केड्यूल के नाम से, इसमें उन्होंने ये भी बताया है कि भाई आप अब ये जो डबल वाली बात है ना, ये स्पेशली इस साल इंट्रोड्यूस की गई है, पहले डिफरेंस होता था, थोड़ा डिफरेंस होता था, अब ये जो नॉन फाइलर का जो रेट का डिफरेंस है ना, ये डबल वाला डिफरेंस ये इस बार इंट्रोड्यूस कराया गया कि डिविडेंड है एमएस साहब, डिविडेंड के ऊपर स्टैंडर्ड रेट क्या है 15%। अगर आप किसी कंपनी ने किसी साल में प्रॉफिट नहीं दिया, प्रॉफिट पे टैक्स नहीं दिया, तो उसका फिर कितना है 25%। तो ये नॉन फाइलर का डबल हो जाएगा 15 से 30%, 25 से 50%। ऐसे फॉर एग्जाम्पल आपकी कैपिटल गेन्स की ट्रांजेक्शन है, उस पर भी आपका जो स्टैंडर्ड रेट है ऐसी सिक्योरिटी के लिए जो आपने 30 जून 2016 के बाद ली है, उसका भी स्टैंडर्ड रेट कितना है 15%, वो भी आप नॉन फाइलर है तो डबल हो जाएगा। ऐसे ही प्रॉफिट ऑन योर डेट सर्टिफिकेट्स है, ये भी सारी जो है वो डबल हो जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है नॉन फाइलर्स के लिए, और ये तंगी और ये जो कॉम्प्लिकेशंस है और बढ़ाई जाएंगी वक्त के साथ, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ क्या होगा आहिस्ता आहिस्ता। जैसे ऐसे ही होता है कि भाई यूके में आप बैंक अकाउंट ओपन नहीं करा सकते, आप क्रेडिट कार्ड नहीं ले सकते, आप लोन नहीं ले सकते अगर आप टैक्सेस फाइल नहीं कर रहे अपने। ऐसे ही बांग्लादेश में आप जो है आपकी सैलरी प्रोसेस नहीं होगी, आपकी कंपनी जैसे आप सर बता रहे थे, जैसे फैसल बैंक है, सीडीसी है, डिफरेंट ये एम्प्लॉयर्स है, ये आपकी सैलरी ही आपको ट्रांसफर नहीं करेंगे जब तक आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करते, जब तक आप हमारे टैक्स की जबान एक्टिव फाइलर नहीं है। तो इस वजह से ये कॉम्प्लिकेशंस वक्त के साथ और बढ़ती जाएंगी। आपने इंटरनेशनल ट्रैवल करना है, वीजा के लिए सबसे पहले आपको कहते हैं सबमिटेड रिटर्न्स ले आए, हमें पता चले कि आपकी डिक्लेयर्ड वेल्थ क्या है, आप वहां जाके भाग तो नहीं जाएंगे। ये आखिरी वाला जो क्लॉज है ना, ये खासतौर पर पाकिस्तानियों के लिए रिजर्व है कि वहां पर जाके आप भाग तो नहीं जाएंगे। तो इस वजह से आप एक काम करें कि मेहरबानी करके अपने जरा सबमिटेड वेल्थ स्टेटमेंट्स ले आए, ताकि हमें पता चले कि यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी और बैंक स्टेटमेंट्स आपके पास है या नहीं है। सिर्फ बैंक स्टेटमेंट पे नहीं जाते, क्योंकि उन्हें पता है ना कि वो पैसे इन करके दोबारा आउट हो जाते हैं, उन्होंने भी वक्त के साथ हमारे साथ सीखा है कि किस तरीके से हम वीजा लेते हैं। तो इस वजह से वो फिर हमारे सबमिटेड वेल्थ स्टेटमेंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाई करते हैं। तो ये तंगी जो है वक्त के साथ और बढ़ाई जाएगी। अगला एक छोटा सा टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग क्या चीज होती है, क्या कहते हैं हम साहब, टैक्स प्लानिंग क्या होती है?
टैक्स प्लानिंग जो है ये मैं आपको पहले बता दूं, ये उसे नहीं कहते कि सेल हुई और हमने बताई नहीं, वो टैक्स इवेजन है। टैक्स प्लानिंग क्या होती है, थोड़ा आप जो है वो तस्वीर को देख के इंस्पायर हो, नहीं नहीं तस्वीर को देख के थोड़ा सोचेंगे, हाउ टू सेव टैक्सेस, बिल्कुल हाउ टू लीगली सेव टैक्सेस। लॉ में आपको जो है इजाजत दी गई है कि भाई अगर आप ये डिफरेंट एक्टिविटीज करते हैं तो लीगली आप अपने टैक्स इंसिडेंस को कम कर सकते हैं, इसे कहा जाता है टैक्स प्लानिंग। और इसके चंद जो प्रोमिनेंट हमारे पास चीजें हैं वो जरा हम शॉर्टली डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली चीज क्या है, डोनेशंस। डोनेशंस किस तरीके से काम करते हैं, दो तरीकों से काम करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि भाई आपने अगर सर्टन इन चंद नामवर इदारों को डोनेशन दिया है, इसकी कॉम्प्रिहेंसिव लिस्ट जो है ये लॉ का ही पार्ट है, सेकंड स्केड्यूल में है ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के, कि इन चंद नामवर इदारों को अगर आपने डोनेशन दिया तो ये पहले आपकी इनकम से ऐसे ही माइनस किए जाएंगे जैसे समझें आपकी इनकम का क्या है, खर्चा है। जैसे क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, सैलरी जो हजरात यहाँ पे सैलरीड इंडिविजुअल्स हैं या पहले रह चुके हैं, आपकी नॉलेज में बखूबी होगा कि सैलरी ऐसा नहीं होता कि आपने कंपनी में पहुंचने के जो आपका खर्चा है, खाने पीने का खर्चा है, कि आपका एम्प्लॉयर इतना अच्छा हो वो कहे कि अच्छा आपकी सैलरी से पहले हम ये माइनस करते हैं, घर के आपके खर्चे हैं, इस दफा चले माशाल्लाह घर में नया बच्चा है, प्रेगनेंसी के खर्चे हैं, हॉस्पिटलाइजेशन के खर्चे हैं, पहले ये हम माइनस करेंगे, रोजमर्रा के हमारे खर्चे हैं, बकिया जो अमाउंट बची उसके ऊपर टैक्स लगेंगे। ऐसा नहीं होता ना, ग्रॉस अमाउंट ऑफ इनकम जो होती है उसके ऊपर टैक्स अप्लाई होता है। लेकिन अगर आप ये फॉर एग्जांपल इन पर्टिकुलर इदारों को आप डोनेशन देते हैं और उसका एविडेंस ला के आप अपने एम्प्लॉयर को देते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आपकी सैलरी से पहले ये अमाउंट माइनस किए जाएंगे। ये एक बहुत बड़ी एक यूनिक बात है इस पर्टिकुलर क्लॉज की। उस इदारे तकरीबन उसके अंदर 30-35 इदारों की लिस्ट है। सबसे पहले तो इन इदारों को समझ लें आप, ये तकरीबन 30-35 इदारे हैं, नामवर इनमें से ज्यादा ये है, इसमें आखान फाउंडेशन भी है और उसके जो एसोसिएटेड सारे नेटवर्क एंटिटीज हैं वो भी इसके अंदर आती है। तो शौकत खानम हो गया, इंडस हॉस्पिटल हो गया, सिटीजन फाउंडेशन हो गया, यदि इस इदारे के अंदर, इस लिस्ट के अंदर नहीं आता, सैलानी भी इस लिस्ट के अंदर नहीं आता। तो इसके अलावा और कौन से हमारे पास इदारे हैं, उसके अलावा आप किसी भी रजिस्टर्ड नॉट फॉर प्रॉफिट इदारे को टैक्स दें, ठीक है, सॉरी डोनेशन दे, ऐसी सिचुएशन में आपकी टैक्स की जो लाइबिलिटी है उसमें से थोड़ी कटौती की जाएगी, लेकिन उसका बेनिफिट आपको जो मिलेगा कंपैरेटिवली कम मिलेगा। सबसे ज्यादा जो बेनिफिट मिलता है वो आप इन अगर इदारों को देते हैं तो सबसे ज्यादा बेनिफिट इन इदारों को मिलता है, हत्ता के आप कैश में भी इन्हें डोनेशन दे दें, सिर्फ आपके पास रसीद होनी चाहिए, उसका भी बेनिफिट आपको मिलेगा। तो ये एक बहुत बड़ा एक स्पेशल एडवांटेज है जो आपको अलाउ किया गया है डोनेशन की मद में। लेकिन एक लिमिट है, लिमिट यह है कि भाई आपकी जो इनकम है ना उसके सिर्फ 30% तक आपको बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं कि आप किसी दिन जज्बात में आ गए, आपने कहा पूरी मैं डोनेशन दे दूंगा, बहुत अच्छी बात है आपकी जज्बात का कदर करते हुए, वो फिर भी आपको बेनिफिट देंगे लेकिन वो सिर्फ 30% का इनकम का, बिल्कुल इनकम का, ग्रॉस इनकम, ग्रॉस इनकम का, ये इनकम से ये माइनस हो जाएगा, बिल्कुल ये टैक्सेबल इनकम से ये माइनस हो जाता है। किस रेंटल में भी मिलेगा, ये मिलेगा, ये आपको डिडक्शन में नहीं मिलेगा, ये बेनिफिट आपको मिलेगा आपने टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त। हाँ टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त सर आप ले ले बेनिफिट, मैं आपको कह रहा हूं सर आप नीचे उधर मेरे नाम लिखे आप बेनिफिट ले ले, आप मान ले मेरी बात इस पर।